लिब्रा वेलकम टू आर एंजल गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है हम देखेंगे आपका अगस्त मंथ कैसा रहता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लिब्रा। ओके ओके थ्री ऑफ सोर्ड्स। दिल टू ट्राई। एस ऑफ वांड्स। सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ वांड्स। एट ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वांड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपकी कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, सच बताओ तो आप में से काफी लोग कोई पास्ट एक्सपीरियंस से बाहर आ रहे हो। ठीक है, अगस्त मंथ में जो चीजें आपको दुख देती थी, जो आपको पेन देती हैं, या कोई पर्सन हो सकता है ये, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। ठीक है, वापस खुद की ऊर्जा में आओगे। और अगर आपने आपकी कोई भी ऊर्जा, मतलब आपकी जो अच्छी ऊर्जा है, जो आपकी ऊर्जा है, उसको किसी ने लो करने की कोशिश की है या लो हो गई है किसी वजह से, किसी कुछ करने से, मतलब या तो आप मतलब कि उसने कुछ आपको हर्ट किया है, ठीक है, विश्वास तोड़ा है, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब समय है मूव ऑन करने का, अगर इसमें आप किसी कुछ ऐसी चीजों से मूव ऑन करोगे जो आपको सर्व नहीं करती, जो लोग आपको चीट करते हैं, जो लोग ऐसे हैं कि आपके सामने अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, ठीक है, जो आपको दर्द दे देते हैं, आप उनसे मूव ऑन करोगे, उन चीजों को आप छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो कि अब मुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अपने डार्क डार्क वाले सिचुएशन से बाहर आ रहे हो अगस्त मंथ में। अगेन वो कॉन्फिडेंस वाली, वो अपनी खुद की ऊर्जा जो कि बहुत पावरफुल है, उसमें आने का ऐसा लग रहा है कि समय हो चुका है और आप उसमें हो चुकी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये करेज एंड ये ऐसे कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, जो मैं हूं मैं हूं, ठीक है, और मैं अब इन सब चीजों के पीछे और नहीं पड़ने वाली हूँ, और ना ही किसी को मैं अलाउ करती हूँ कि वो मेरी पीस को डिस्ट्रॉय करे, रुइन करे। तो यहाँ पे ये वाली ऊर्जा है कि मेरा कंट्रोल अब मेरे हाथ में होगा, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, लोगों ने मेरे दिल से बहुत खेल लिया, मेरे इमोशन से बहुत खेल लिया, अब ऐसी वाली ऊर्जा है कि अब मैं किसी को अपनी लाइफ में एंटर ऐसे ही नहीं करने दूंगी, ऐसे ही किसी को मेरी पीस को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगी। ठीक है, तो अब अपने लाइफ का कंट्रोल और अपने हाथ में लेते हुए ऐसा लगता है कि अब आप कहोगे कि अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं हूं क्या, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। ऐसी ऊर्जा में आप जा रहे हो, एक न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसका फायदा उठाते हुए अगस्त मंथ पे आप मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो जो आपके पास से रिलेटेड है, ठीक है, या तो आप, मैं ये देख पा रही हूँ कोई लॉयल रिलेशनशिप, लाइक कुछ अनकंडीशनल लव जैसी चीज भी आप फील कर सकते हो। ठीक है, ये सेल्फ लव भी देख पा रही हूँ। ठीक है, ये जो लोगों पे डिपेंड होते हैं ना, आप लोगों पे डिपेंड वो होना छोड़ दोगे कि मुझे लोगों किसी पे डिपेंड नहीं होना है, अब किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते हो आप अपने प्यार के लिए कि मैं उससे प्यार मांगू, कि तो ये अब आप खुद पे डिपेंड होगे इस चीज के लिए। ठीक है, ये नहीं कि दूसरे ही आके मुझे प्यार दें, दूसरों मेरे लिए कुछ करें आके तब मुझे अच्छा लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये वाली ऊर्जा में आप जा रहे हो। ठीक है, आइए देखते हैं और भी कार्ड्स आपको क्या बताते हैं यहाँ पर। एरीज 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 वाला कार्ड मुझे ना जाने क्यों लगता है कि देखिए ये तो तलवार है, अब समझ में, अब समय आ चुका है मैदान में उतरने का, अपने लिए फाइट करने के लिए, अपने अपने लड़ने का और अपने को प्रूफ करने का, ये तो मुझे दिख रहा है आपके लिए। दूसरा, ये कैसा दिखाता है कि चौकन्ना, ठीक है, अब आप पे कोई वार करे तो आपको उसके वार करने से पहले आपको वो अपने आप को डिफेंड करना है, कि वो आप पे हमला करे उससे पहले खुद को बचाओ कि वो कर ही ना पाए, अब आपको खुद को बचाना है। ठीक है, बहुत हो गया, आपने बहुत ही लोगों को ऐसा मौका दिया है कि वो आपके दिल के साथ खेले, आपके इमोशंस के साथ खेले, ठीक है, आपको फॉर ग्रांटेड ले, बट आप ऐसे नहीं हो कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। ठीक है, तो आपको अब अहमियत यहाँ पे समझ में ऐसा लग रहा है जैसे आने लगी है।
और ये एरीज की एनर्जी ये भी दिखा रही है, तो खुद को तो डिफेंड करना ही है, ठीक है, पर जिस चीज पर वार करने की जरूरत है, जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उसको भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। चेंज इन प्रोग्रेस, ये चेंज इन प्रोग्रेस क्यों आया है, ये बदलाव होगा लेकिन इसमें प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, ये आपके अंदर और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस दिखा रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव ये आपके लिए जरूर होगा, ठीक है। और ये भी दिखा रहा है कि अभी तक जैसे आपके हालात सही नहीं रहे, लेकिन अब आपको सिर्फ आपके लिए गोल्डन गोल्डन रास्ता होता है, मतलब कैसे बताओ उसको, जैसे गोल्डन दरवाजा होता है, डोर होता है, वैसे जो रास्ता है ना, वो भी एक जैसे पाथ आपके लिए खुल रहा है कि अब आपको इस पे चलना है, ठीक है। ये इंट्यूशन आपकी बहुत ही अच्छी अगस्त के मंथ में रहने वाली है और आपको गाइड करेगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी। यहाँ भी एक डोर है, वो आपको आपके मंजिल तक लेकर जाएगी, यूनिवर्स से कनेक्ट कराएगी और आप चैनल कर पाओगे यूनिवर्स से कि वो आपको क्या डायरेक्शन देना चाह रहे हो, आपसे क्या बोलना चाह रहे हो, आप उसको उसको सुन पाओगे। यहाँ पर क्राउन चक्रा, वही बात जो मैंने आपको बोली है, वही चीज यहाँ पे सेम सेम वही चीजें हैं कि आपकी इंट्यूशन अच्छी होंगी, आप स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर पाओगे, मैसेज चैनल कर पाओगे उनसे, गाइडेंस मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए अब होने वाली है। विजडम, माय गॉड, जब ये तो मैंने मैंने देख लिया कि अब आप अगस्त मंथ में खुद को चुनोगे, खुद को, ठीक है, और ये करके आप अपने लाइफ में ना विजडम भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो इंट्यूशन है ना, ये जो ऐसे आपके जो मैसेज चैनल होने वाले हैं ईश्वर से, यूनिवर्स से, या आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है, ये आपको विजडम प्रोवाइड कर रही है, काफी नॉलेज आप गेन करने वाले हो यहाँ पर इस समय, और आपको ना अपनी पावर का एहसास होगा। और यही ईश्वर आपको यहाँ भेजा क्यों है, इसीलिए भेजा है कि आपको ना जब ये समझ में आ जाए कि मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, और आप जब अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लोगे और कॉन्फिडेंट हो जाओगे और ये शुरू कर दोगे, यही करने आ पाए हो, आपको यही दिखाना वर्ल्ड को कि आप हो क्या, आपको जो गिफ्ट दिया गया है ईश्वर की तरफ से उसको आपको यूज करना है, वो जैसे भी लोगों की मदद करके करना हो, जैसे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक विजडम आता हुआ दिख रहा है, चूंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा और ये आप लोगों में बांटोगे, ठीक है। आइए देखते हैं सिक्स चक्रा, माय गॉड, देखिए यहाँ पे क्राउन चक्रा, ये अलग डेक से है, ये अलग डेक से है, बट ये वही इंट्यूशन 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 की बात कर रहा है, ये बहुत सारी नॉलेज की बात कर रहा है, ये बहुत सारे विजडम की बात कर रहा है, ये बहुत सारी जो नॉलेज विजडम आ रहा है, ये आपके अंदर से आ रहा है, आपके अंदर से आ रहा है, ठीक है। ये आप जो ठोकर खाए हो ना, मैंने कहा ना, अगर आप लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस ले रहे हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ये कभी भी जाया नहीं होता। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है ना लाइफ में, ये भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है, ठीक है, ये सोल को सिखा के जा रहा है, सोल को लेसन, ये ठोकर खाई है ना जिंदगी में आपने जो, ठीक है, ये ना आपको वाइज बनाएगी आगे जाकर, ठीक है। ये ठोकर जो खाई है ना आपने, ये इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो झटका मिला है आपको, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसने करा दी है यहाँ पर, और ये आपको समझ में आ गया कि अब मुझे किसी से लेना देना नहीं है, जो हूं मैं हूं, मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे अब खुद को प्रूव करना है इस दुनिया में। ये कहीं ना कहीं अगस्त के मंथ में शायद आपको ये पता चले, फर्स्ट चक्रा भी आपके लिए आया है, आपके लिए चक्रास के कार्ड फ्री कार्ड से आ गए हैं। ईगो, ईगो भी नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ये दिखाता है इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई बात की इनसिक्योरिटी नहीं, ठीक है, सेफ, खुद खुद को सेफ, खुद के साथ सिक्योर एंड सेफ फील करो, ठीक है, कोई और आपको ये चीज नहीं गफल करेगा। और दूसरा, इसमें ईगो भी नहीं आना चाहिए कि ये नहीं, मुझे तो इससे बदला लेना, इसने मेरे साथ तो ऐसा किया, मैं इसको ऐसा करूं, किसी से कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ईश्वर पे विश्वास है, तो आपको ये भी विश्वास होना चाहिए कि कर्मा वर्क करता है, ठीक है, कर्मा वर्क करता है, जिसने जो भी आपके साथ बुरा किया है उसको उसका फल मिल जाएगा। बट आपको कोई नेगेटिव थॉट किसी के लिए नहीं लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको जो सीख मिल गई उसको सीख लेना है और आगे बढ़ना है, आपको किसी के लिए कोई रिवेंजफुल कोई फीलिंग रखने की जरूरत नहीं है अपने अंदर, ठीक है। दसन आपका, मैं बता दूं, भविष्य जो है आने वाला वो बहुत उज्जवल है,
सन आया है आपके लिए, सन की ब्राइटनेस आप जानते हैं, सन के कार्ड की पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आप जानते हो, एक न्यू बिगिनिंग लेके आता है, एक न्यू आप होंगे, ठीक है, जो खुद में बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है, ठीक है। ये कोई भी न्यू चीज हो सकती है, करियर में, जॉब में, चाइल्ड यहाँ पे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर क्रिएटिविटी बढ़ते हुए दिख रही है, फ्रीडम यहाँ मिलते हुए दिख रही है, ठीक है। गोल्डन फिश मतलब आपकी किस्मत चमकते हुए, लक चमक लक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें बदलाव आपकी तब होगी जब आप न सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करोगे लाइफ में, किसी और को नहीं, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला नाम आपका होना चाहिए, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप। अब जो भी लाइफ में हुआ है, ठीक है, जो भी लाइफ में आपने उतार चढ़ाव देखा है, अब समय आ चुका है कि थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि ये जो ऐसा लग रहा है कि आप में से लाइफ में किसी को झटका वटका मिला है, ठीक है, सच बता रही हूँ, ये थ्री ऑफ सोर्ट वाला झटका, ठीक है, जिसमें दिल टूटता है लोगों का, ठीक है, अंदर तक चोट पहुंचती है, पेन होता है। अब उस चीज से मैं यहाँ देख पा रही हूँ, थोड़ा समय है कि खुद को नैप दो, मतलब खुद को शांत रखो, ठीक है। सोने से भी क्या होता है, लोगों की हीलिंग होती है, तो अपने अपने नींद का ध्यान रखो, नींद अच्छे से लो, आराम करो। अब इन सब चीजों से थोड़ा सा ना ब्रेक लो, ठीक है, अपनी एनर्जीज को सेव करो, मेडिटेट करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं तुलसी। आप अगस्त मन में भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में रहो जिसमें आपको रास्ता ना दिखे, बट यस ये सिचुएशन जरूर आएगी, रास्ता ना दिखे, और रास्ता दिखाने वाला कार्ड भी आ चुका है, वो है इंट्यूशन। कहीं से कोई हेल्प नहीं दिख रही, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मेडिटेट करने बैठ जाओ, ठीक है, वही रास्ता है, वही सब कुछ बताएगा, इतना समझ लो, इंट्यूशन गाइड करेगी। दो कार्ड आ चुका है, सॉरी ये भी आप इसमें काउंट कर लो, तीन कार्ड ऐसे आ चुके हैं। विजडम ये भी इसी से आता है, लाइफ के एक्सपीरियंस से आता है। तो भाई जो है यहाँ पे इंट्यूशन है, मैं बता दूं, अगर आप भटकते हो, आपको रास्ता नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेडिटेट करो, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है अगस्त में तो आपको बहुत ही बेहतरीन रहने वाला। अगस्त के बाद भी मैं देख रही हूँ कि अगर आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ने का सोच लिया, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जिन लोगों ने सच में झटका नहीं खाया लाइफ, उनकी बढ़िया चल रही है, सही चल रही है, सच बता रही हूँ, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है। खुद को समय दो, खुद की एनर्जीज को कभी कभी डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि लोग कभी कभी आपकी एनर्जीज को अटैक करते हैं, ठीक है, ये आपसे कहूंगी। एक विनिंग वाली ऊर्जा में आप जाओगे, ठीक है, कुछ जरूर, एक आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए दिख रही है, चेंज तो यहाँ आ ही रहा है, ठीक है। बाकी और बात कर लेते हैं, इंक्रीज अवेयरनेस, माई गॉड, यही इसी की कार्ड की कमी थी, या विजडम है, या इंट्यूशन है, या अवेयरनेस है। यहाँ भी देखिए बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी है, जो कि मेडिटेट करते हैं, ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ मेडिटेट करने के लिए। आप जरूर अपने, आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर की आत्मा से जुड़ो, ठीक है, वही है जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगी। सी, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, डीप कनेक्शन बनाओ भाई, बनाओ। कितने कार्ड तो आ चुके हैं आपके लिए, ये बोल बोल के थके। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा। मैंने कहा था ना, आप में से काफी लोग अपने लाइफ में अभी ड्रामा से हट रहे हो, लाइफ में ये कार्ड को देख के मैंने बोला था, ठीक है। तो अपने लाइफ में ये जो ड्रामा है ना, अब उससे निकलने की जरूरत है, थोड़ा नैप लो। क्रिएट योर ओन पाथ, रास्ता अपने आप बन रहा है आपके लिए, रास्ता आप अपना बनाओ। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, अब आपको अच्छी एनर्जीज में रहने का समय है आपके लिए। मैं देख रही हूँ जिस तरह से कार्ड आया ना, पक्का आपने उन्हें लाइफ में कुछ तो ऐसे हिला देने वाले एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया है। अगेन सी, टेक टाइम टू रेस्ट, रेदर देन कंटिन्यू योर स्ट्राइविंग। मैं कह रही, थोड़ा सा ना अभी जल्दबाजी मत करो, खुद को आराम दो, इन सब चीजों से ना थोड़ा सा रेस्ट लो, जो चीजों से गुजरे हो, ठीक है, खुद को हील होने का समय दो, ठीक है, और आगे बढ़ने की सोच रखो, ठीक है, ये जरूरी है। ओ माय गॉड, ये मैसेज भी देखिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जिस भी सिचुएशन में आप हो, डील कर रहे हो, वो सिचुएशन बहुत जल्द, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अब जो भी सिचुएशन में हो, वो देखिए मैंने कहा ना, अगर बैड एक्सपीरियंस भी मिलते हैं ना, ये भी कुछ सिखा के जाते हैं आपको,
तो अगर आपके गुड गुड एक्सपीरियंस मिल रहा है वो तो अच्छा है, बैड एक्सपीरियंस मिल रहा है तो भी आपको वाइज बना के जा रही है, विजडम दे के जा रही है, इंट्यूशंस दे के जा रहे हैं आपको, ठीक है, आपके लिए न्यू पाथ ओपन हो रहा है। और जो भी अब आगे आने वाले समय में होगा ना, विन विन सिचुएशन, मतलब आपके लिए कोई लॉस नहीं होने वाला। अब आपकी जो गाड़ी है ना वो स्मूथ चलने वाली है आगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, रेस्ट करने को कई कार्ड में ऐसा कहा जा रहा है, तो खुद को आराम दो प्लीज, ये कहा जा रहा है आपसे। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी होली तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।